राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जो हमारे YouTube चैनल पर हमारे फॉलोवर्स हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, इलेक्ट्रोमोपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से कुछ वेरियस डिजीज पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम के अंतर्गत आज हम एक और सीजनल डिजीज लेकर के आए हैं जो जिसके अधिकांश रोगी हमारी क्लिनिक में आते हैं। आज का रोग है साथियों फेरिंजाइटिस, यानी कि घर्षणी शोथ। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आप सभी अपने चिकित्सकों को, चिकित्सक बंधुओं को ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित जो है बुक, वो लगभग हमारे हाथों में आने वाली है। जल्दी ही जो है हम उसकी पोस्टिंग शुरू कर देंगे। अब तक हमारे पास जो है 100 से अधिक साथियों का जो है कंप्लीट फाइनल पेमेंट डिपॉजिट हो चुका है। तो जिन साथियों ने हमें पहले 500 रुपये भेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वो जितना जल्दी हो सके अपना अपना बैलेंस अमाउंट जो है भेज दें, 1100 रुपये और भेज दें। तो कुछ साथी बार बार पूछते हैं कि सर, इसका प्राइस अभी तक जो है क्लियर नहीं हुआ, क्या है प्राइस? देखिए, इसका टोटल प्राइस जो है वो 1600 रुपये है। जिन्होंने 500 रुपये जमा करवा दिया है वो 1100 रुपये अपना जमा और करवा दें। तो साथियों देखिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनके लिए वो काम सुरक्षित रखेंगे। और कुछ हमने एक्स्ट्रा प्रति, जैसे मैं पहले भी पिछले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि उसके अंदर जो है हमने 100 कॉपियां जो है एक्स्ट्रा छपवाई हैं, क्योंकि उस समय कुछ हमारे साथी मजबूरीवश जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे, तो उनके लिए हमने ये जो 100 कॉपियां और छपवाई थी। तो साथियों, इनमें से लगभग 50% के करीब जो है एक्स्ट्रा जो है वो बुक हो चुकी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये बुक हमारे हाथों में आएगी जो है ये समाप्त हो चुकी होगी, हमारे पास कोई भी कॉपी नहीं बचेगी। अतः जो हमारे साथी डॉक्टर आर बी गोस्वामी ग्रुप के सदस्य हैं जिन्होंने अभी तक बुक के लिए लेना चाहते हैं, जो बुक लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। वो 1600 रुपये अपना जमा करवा दें और जैसे ही बुक हमारे पास आ जाती है तो हम जो है टर्न बाय टर्न जो सबकी जो है एक सीरियल वाइज जो है हम उसको पोस्टिंग करना आरंभ कर देंगे और कुछ दिनों में वो बुक आपके हाथों में होगी। साथियों, आइए आज हम जो है बात करते हैं घर्षणी शोथ फेरिंजाइटिस पर। साथियों, ये भी एक सीजनल डिजीज है। इसके अंदर क्या है कि गले के अंदर सूजन हो जाती है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो प्रभावित हो जाती है, उसके अंदर सूजन आ जाती है। दोनों प्रकार का रोग हो सकता है, एक्यूट भी और क्रोनिक भी। तो साथियों, गला इसके अंदर लाल हो जाता है और जो है इसके साथ साथ में जब ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो टॉन्सिल भी
जो होने लगते हैं। कारणों के ऊपर बात करें तो यह रोग ज़्यादातर जो है मौसम परिवर्तन के कारण भी हो जाता है, ठंड लगने के कारण भी होता है। कभी कभार जो है क्या होता है कि हम एकदम से उत्तेजक पदार्थ खा लेते हैं, जिसे जो है उसकी गर्मी से, या ऐसे कोई पदार्थ खा लिया जाए जो बाद में गर्मी उत्पन्न करता है, तो उससे भी यह रोग हो जाता है। क्योंकि हमारे गले की जो नर्व हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन बड़ी ही सेंसिटिव होती है, और जब हम कोई भी उत्तेजक या तीक्ष्ण पदार्थ खा लेते हैं तो वो उसके लिए तैयार नहीं होती हैं, जिसके कारण अचानक उनमें जो है रेडनेस आने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है। इसके साथ साथ और भी कई रोग हैं, जैसे चिकन पोक्स है, मिसल्स है, खसरा है, टीबी है, सिफिलिस है, इसके कारण भी जो है गर्सनी शोथ यानी फेरेंजाइटिस रोग हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग ज़्यादा धूम्रपान का प्रयोग करते हैं, गुटखे तंबाकू वगैरह ज़्यादा खाते हैं, शराब का एल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, या जो लोग ज़्यादा धूल मिट्टी के संपर्क में रहते हैं, तो उन लोगों को भी ये रोग हो जाता है। तो साथियों, ये इसके कारण थे। लक्षणों में क्या है कि देखिए, सबसे पहले तो गले में खराश उत्पन्न हो जाएगी, गला बिल्कुल रेड हो जाएगा, लालयुक्त हो जाएगा, सूज जाएगा, रोगी का कंठ जो है तालों में पीड़ा होने लग जाती है, दर्द होने लग जाता है, खाने पीने में जो है वो उसको प्रॉब्लम आती है, सूखी खांसी होने लगती है और गले में दर्द हो जाता है, स्वर जो है उसका वो भारी होने लगता है, गला बैठने लगता है, और ऐसा महसूस होता है उसको जैसे कोई गले में कुछ अटक गया हो, तो इस प्रकार का जो उसको फील होता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो फेरिंजाइटिस के लक्षण हैं। तो साथियों, इसका हम इलेक्ट्रोमोपैथी में क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट कंपोजिशन है, आप सब जानते हैं, बीपी और बीसी, प्लस में हमारा जो है P4S2 का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो कुछ हमारे साथियों की जो है कुछ कंप्लेंट्स हैं, शिकायत है उनकी, कुछ मतलब उनके डाउट हैं, शिकायत तो नहीं कहेंगे, डाउट है उनके, जो वो क्लियर नहीं हो पा रहा उनके लिए। तो मैं उन सभी साथियों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस वीडियो को ध्यान से सुने, ताकि उनके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाए इसके अंदर। तो साथियों, कुछ हमारे चिकित्सक बंधुओं ने पूछा है कि आप जो है बीपी में आप जो है 20 ड्रॉप डाल देते हैं, बीसी में आप 10 ड्रॉप डाल देते हैं, और दूसरी मेडिसिन है उनके अंदर भी किसी के अंदर 20 डाल देते हैं, किसी के अंदर 10 डाल देते हैं, फिर दूसरा कंपोजिशन आपका बनता है तो वहाँ पर आप 5 बूंद डाल देते हैं, कहीं 10 बूंद डाल देते हैं। ये जो लॉजिक है हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या सूत्र है, इसका कोई सूत्र आप हमें बताइए, ताकि हमें भी ये बात समझ में आ जाए कि हम यहाँ पर 5 बूंद क्यों डाल रहे हैं इसके अंदर। आपका, हमारे साथियों की शंका, हमारे साथियों का डाउट जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हम ये स्थिति क्लियर नहीं होगी तब तक ये कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इसको भी साथ में आज क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने बीपी की 20 ड्रॉप ली है। तो बीपी की 20 ड्रॉप हमने क्यों लिया यहाँ पर साथियों, क्योंकि बीपी के अंदर जो है हमारी फंक्शनल मेडिसिन है। देखिए, इलेक्ट्रोमोपैथी में दो प्रकार की हमारी मेडिसिन है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। तो रोग में किसी भी अंग का या किसी भी मतलब ऑर्गन का जो है उसका फंक्शन या तो कम हो जाएगा या फिर अधिक बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जो उसका स्ट्रक्चर जो होता है, उसकी रचना होती है, या तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी या फिर वो है सिरोसिस हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, दो ही प्रॉब्लम आएंगी उसके अंदर। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, हमने जो बीपी का 20 ड्रॉप लिया है, यहाँ पर केवल हमारा जो तात्पर्य है
हमारे ऑर्गन का फंक्शन बढ़ाना है। यहाँ पर ये BPF किस में काम आता है ये आपको थोड़ा सा स्वयं देखना पड़ेगा, क्योंकि BP हमारी एक जो है मेटाबॉलिक सिस्टम की मेडिसन है, डाइजेस्टिव सिस्टम की मेडिसन है, जो है टॉक्सिन को बाहर निकालने वाली मेडिसन है, ब्लड को प्योरीफाई करने वाली मेडिसन है। तो ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पर हमने जो है, क्योंकि देखिए जितने भी रेस्पिरेटरी से संबंधित डिजीज हैं A to Z, वो सब जो है रस के दूषित होने के कारण क्रिएट होती है। ये आपको जानना होगा, ये आपको जो है ये समझ होनी चाहिए आपको कि जो भी जितनी भी रेस्पिरेटरी से संबंधित प्रॉब्लम है सारी की सारी जो है वो रस के अशुद्ध होने से उत्पन्न होती हैं, डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर हमने BP को इसीलिए लिया है कि रस की शुद्धि करने के लिए, ये हमारा BP का जो काम यहाँ पर रस की अशुद्धि करने वाला है। तो दूसरा हमारा जो कंपोज जो मेडिसिन इसके अंदर हम मिलाते हैं वो है हमारी जो है BC यानी कि बॉडी केयर। अब ये यहाँ पर हमने क्यों लिया है, इसकी 10 ड्रॉप क्यों ली है? देखिए साथियों, कोई भी पेशेंट हमारे पास में आता है, एक तो नर्वस सिस्टम नर्वस होकर के आता हमारे पास में, घबराहट होती है उसको, बॉडी पेन भी उसको होता है, तो इस तरह की भूख नहीं लगती है उसको, तो ताकत नहीं है शरीर में, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो नर्वस सिस्टम के कारण होती है। तो साथियों, क्योंकि वो नर्वस ज़्यादा, उसकी नर्व सिस्टम का जो है फंक्शन वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पर उसको हमने कम करना है, उसको होमोस्टेट में लेकर के आना है। तो यहाँ पर इसलिए हमने BC का जो है 10 ड्रॉप डाला है। अगली हमारी मेडिसिन जो है वो S2 यहाँ पर हमने मिलाया है। देखिए BP जो हमारी मेडिसिन है वो रस और रक्त के अंदर से तो टॉक्सिन को बाहर कर देगी, लेकिन बॉडी से कैसे बाहर करेगी? बॉडी से बाहर हमारी S2 करेगी, इसलिए यहाँ पर हमने S2। और जब भी हम S2 का प्रयोग करते हैं तो लगभग उसकी 20 ड्रॉप ही प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा मतलब स्ट्रोंग डाइल्यूशन ही उसको हम प्रयोग करते हैं इसके अंदर। और चौथी हमारी मेडिसिन यहाँ पर हमने ली है क्योंकि रेस्पिरेटरी से संबंधित प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर हमने P4 का प्रयोग किया। साथियों, P4 का प्रयोग क्यों किया है कि P4 जो हमारी नाक से लेकर के लंग्स के अंतिम सिरे तक पूरे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जो है ये काम करती है, इसलिए हमने यहाँ पर P4 का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला फार्मूला बना है वो BP की 20 ड्रॉप, BC की 10 ड्रॉप, S2 की 20 ड्रॉप और P4 की भी जो है हमारी 10 ड्रॉप हमने यहाँ पर डाला है। इसको सबको लेकर के 30 ml की खाली बोतल में डालना है, फिर बाकी का जितना स्पेस बचे उसमें आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है, और फिर पेशेंट को इसमें से 10-10 बूंद दिन में 4 बार या आवश्यकता अनुसार उसको दिलाएं आप। तो सेकंड हमारा जो फार्मूला है यहाँ पर हमने सेकंड जो लिया है C13 विनिरियोवन और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया है। अब साथियों, हमारे जो है चिकित्सक बंधुओं का ये डाउट था कि आप 5-5 ड्रॉप लेने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, ये हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि सभी हमारे जो सेकंड है ना फार्मूला उसमें 5-5 ही ड्रॉप में डालता हूँ। और साथियों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने 5-5 आपको बता दिया है वो ही जो है एक पत्थर की लकीर हो गई है, नहीं। देखिए, पेशेंट आपके सामने बैठा है, रोग की स्टेज भी आपके सामने है, रोगी भी आपके सामने है, रोगी का बॉडी वेट वगैरह है सब कुछ आप जानते हैं, तो वहाँ पर आपने थोड़ा सा सविवेक से भी अपना कार्य उसको लेना होगा। क्योंकि देखिए, मैंने तो यहाँ पर 5 ड्रॉप बता दी हैं, हो सकता है कि पेशेंट को और अधिक ज़्यादा प्रॉब्लम हो, सीवियर प्रॉब्लम हो, तो बीमारी जितनी अधिक सीवियर होगी जो है मैंने एक बताया भी है और अपनी जो है ये बुक आएगी इसके अंदर भी मेंटेन किया हुआ है कि रोग जितना सीवियर होगा दवा की मात्रा उतनी ही माइक्रो होगी, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यही सूत्र है, इसी सूत्र को आपने ध्यान में रखना है। ज़रूरी नहीं है मैंने 5 बता दी, आप 3 ड्रॉप भी ले सकते हैं, 2 ड्रॉप भी ले सकते हैं, 4 ड्रॉप भी ले सकते हैं, 10 ड्रॉप भी ले सकते हैं, जैसे भी मतलब आपको रोगी की दशा दिखती है, रोगी आपके सामने बैठा हुआ है तो उसको देख करके आप थोड़ा सा सविवेक से भी आप काम लीजिए। मैंने तो एक नॉर्मल जो है पेशेंट का जो है मैं ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूँ, रास्ता मैंने आपको बता दिया है। देखिए, मैं आपको ड्राइविंग करना सिखा सकता हूँ,
मैं आपको रास्ता नहीं बता सकता, मैं आपको केवल ड्राइविंग करना सिखा सकता हूँ कि गाड़ी आपको कैसे चलानी है, लेकिन रास्ता रास्ता स्वयं आपने जो है खोजना पड़ेगा। अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो रास्ते में आप कहीं भी जा सकते हैं, अनोन रास्ते में जा सकते हो। तो मेरा कार्य केवल इतना ही है। तो यहाँ पर हमने जो सेकंड डायलेशन जो सेकंड कंपोजिशन लिया है C13, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि गर्सनी शोथ यानी फेरिंजाइटिस, गले के अंदर सूजन हो जाना, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो गले के अंदर सूज जाती है, सूज करके जो है इन्फ्लेम होकर के वो रेडनेस आ जाती है और उसमें दर्द होने लगता है। यानी कि स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चरल मेडिसन है, वो स्ट्रक्चर जो है उसका बढ़ चुका है। अब यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि गले की मेडिसिन हमारी कौन सी है। तो यहाँ पर हमने C13 लिया है, और C13 साथियों क्योंकि टिश्यू स्वेल्ड हो चुके हैं इसलिए हमने यहाँ पर 5 बूंद रखी। यहाँ 3 भी रख सकते हैं, हम 3 भी रख सकते हैं। अगर पेशेंट को 5 बूंद से रिलीफ कम मिलता है तो वहाँ पर आप 5 ड्रॉप की जगह 3 ड्रॉप भी डाल सकते हैं। तो C13 की हमने यहाँ पर 5 ड्रॉप लिया है, मिनिरियोवन का भी हमने 5 ड्रॉप लिया और जी का भी हमने 5 ड्रॉप लिया है। देखिए ये तीनों की तीनों मेडिसिन जो है वो स्ट्रक्चरल मेडिसिन, यानी कि किसी प्रकार के रचना में जो विकृति आ जाती है उस विकृति को मतलब दूर करने के लिए हमने यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चरल मेडिसिन का यूज किया है। तो इसमें C13 आपको मैंने बता दिया जैसे कि गले की जो म्यूकस मेम्ब्रेन उसके ऊपर इसका कार्य है। यहाँ पर देखो C13 कार्य तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो हमने इसमें प्रयोग किया इस रोग में प्रयोग किया है, यहाँ पर ये गले की फेरिंजाइज जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके ऊपर इसका कार्य है। विनिरियोवन आप जानते हो, विनिरियोवन तो एक एंटीबायोटिक है, यूनिवर्सल मेडिसिन है, इसमें तो चाहे आप किसी प्रकार का कोई फीमेल की कोई प्रॉब्लम है या मेल की कोई प्रॉब्लम है या कोई क्रोनिक रोग है या कोई ऐसा जिद्दी रोग है जो ठीक नहीं हो रहा हो तो वो विनिरियोवन के देने से जो है उसमें काफ़ी हमें आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। तो यह विनिरियोवन का हमने इसलिए प्रयोग किया। ये भी C13 की तरह ही जो है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर काम करता है, पेन किलर के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर विनिरियोवन को हमने 5 ड्रॉप लिया। जी ये भी एक स्ट्रक्चरल मेडिसिन है क्योंकि किसी प्रकार की विकृति को ये ठीक करती है, जैसे कोई घाव हो जाता है या कोई फोड़ा हो जाता है तो उसको ये जो है हीलिंग करती है, इसका जो है हीलिंग एक्शन है इसके अंदर। तो इस प्रकार से जो हमने ये 3 मेडिसिन ली है, इनका जो हमने 10-10 ड्रॉप जो है सबका जो 5-5 ड्रॉप है वो 30 ml में इसका हमने लिया, बाकी का डिस्टिल वाटर डाला। तो साथियों यहाँ पर देखिए हमने जो है ना यहाँ पर माइक्रोडोज लिया है, माइक्रोडोज लेने के कारण इसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, 2 घंटे से लेकर के 4 घंटे के बीच तक जो है हम उसका जो है डोज देने का उसका टाइम हम फिक्स कर सकते हैं। 2 घंटे पर भी दी जा सकती है, 1 घंटे पर भी दी जा सकती है, जैसे जैसी रोगी की अवस्था है उसके अकॉर्डिंग जो है हमने डोज निर्धारित करनी है। ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि 2 घंटे में आप दें, अगर इसे ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर 1-1 घंटे पर भी दी जा सकती है, अगर कम प्रॉब्लम है तो वहाँ आप 3-3 घंटे पर दे सकते हैं, 4 घंटे में QID करके दे सकते हैं, 4 बार करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है दूसरा जो हमारा कंपोजिशन बना है वो स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसकी 10-10 बूंद है, 2-2 घंटे पर हमने एक सामान्य तौर से जो है रोग होता है उसको हमने बताया है यहाँ पर। और तीसरी हमारी जो है साथियों यहाँ पर गार्गले यानी गरारे करने का मेडिसिन हमने यहाँ पर यूज किया है। तो गरारे करने में जैसे C13 का प्रयोग किया, A2C5 का है, विनिरियोवन का है और जो है अपना जो है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का जो है P4 का प्रयोग यहाँ पर हमने किया है। तो यानी C13 विनिरियोवन A2C5 वर्मीफुगर 2 का प्रयोग और यहाँ पर जो है दूसरा हमारा P4 का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। P4 भी कर सकते हो, यहाँ पर P2 का भी आप प्रयोग कर सकते हो साथियों, दोनों ऑप्शनल मेडिसिन है, दोनों में से दोनों की दोनों अच्छी हैं, कौन सी भी दोनों में से एक कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमने आपको P4 बता दिया है, कोई दूसरा पूछता तो हम P2 बता देते हैं, तो फिर उसमें हमारे डॉक्टर साथी जो है कंप्लेंट करने लगते हैं कि सर उसमें तो आपने P4 बताया था या आपने P2 बता दिया, ये तो जो है हमारा ट्रीटमेंट ही चेंज हो गया। तो देखिए साथियों कई मेडिसिन जो है ऑप्शनल हो जाती है कि हम इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों जो है D3 से इसको लेना है, गरारे करने का
एक्सटर्नल यूज करने का कोई भी मेडिसिन है, हम 1:9 के रेशियो से बनाएंगे। अब इसमें क्या है कि देखिए मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। इसके अंदर हमारी जो है लगभग 6 मेडिसिन है, 6 मेडिसिन की हमने प्रत्येक की 10-10 बूंद ली D3 से, तो साथियों हमारे पास हो जाती है 60 ड्रॉप सबके लेते हैं तो, और 60 ड्रॉप यानी कि 20 ड्रॉप 1 ml के बराबर हम लेते हैं, इसको मानते हैं तो 60 ड्रॉप में 3 ml हमारा हो जाता है और 27 ml जो है हम डिस्टिल वाटर डालते हैं, तो 1:9 का रेशो हमारा हो गया है। और यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 100 स्ट्रोक लगाने हैं आपने, इस लोशन के अंदर 100 स्ट्रोक लगाने हैं, और उसमें से 2 ml मेडिसिन लेकर के या 40 बूंद लेकर के 0.5 लीटर गर्म पानी में गरारे करवाए सुबह दोपहर शाम। तो साथियों ऐसी कोई भी जो है बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती है, बाकी ये है कि थोड़ा सा उसके पीछे आपको लगना होगा और थोड़ा सा जो है पॉजिटिव रहो उसके प्रति, नेगेटिव मत बनो कि इस रोग में हम दे रहे हैं हमें इसमें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये हमारी जो है इसमें सफलता में नहीं मिल रही है, मिलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा सविवेक भी उसमें प्रयोग करना पड़ेगा अपने साथियों। देखियो हर टाइम मैं आपके पास नहीं हो सकता, मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया, ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं आपकी सहायता कर पाऊँ उसके अंदर, लेकिन फिर भी क्या है कि थोड़ा सा सविवेक से काम लो कि अगर जो हमने डोज निर्धारित कर दी है और उसे जो सफिशियंट रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा आपको, उसे आप थोड़ा सा कम या थोड़ा ज़्यादा करके भी आप देख सकते हैं उसमें, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमोपैथी है साथियों, यहाँ पर फिक्स कोई भी मेडिसिन नहीं है। तो आप सोचोगे भी इसकी ये फिक्स मेडिसिन हो गई है, जो ये समझते हैं वो गलतफहमी में है, कभी भी जो है वो सक्सेस नहीं हो सकते जो सोचते हैं कि इलेक्ट्रोमोपैथी में फिक्स मेडिसिन है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लंबा हो गया है 22 मिनट का, तो उम्मीद करता हूँ कि आज हमारे साथियों के जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे, और फिर आगे भी जो वीडियो आएंगे ना उसके अंदर में मैं फिर इसी प्रकार से कुछ क्लियरिटी आपके सामने जो है बताने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ साथियों राधे राधे।